है। तो विवेक जी कह रहे हैं कि मीडिया को मैनेज करना है, तो मीडिया तो एक लाइन कही जाती है कि हमने उनको झुकने को कहा और वो रेंगने लगे, तो मीडिया तो इतनी ज्यादा मैनेज हो गई कि वो अब मीडिया के अस्तित्व ही सवाल उठने लगा। गुजरात के चुनाव से पहले बड़ी सफाई से जो किया जा रहा है, जो श्रद्धा और आफ्ताब के किस्से बताए जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा दर्दनाक कांड है, आप उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जल्दी से जल्दी फांसी दिला दीजिए, उम्र कैद करा दीजिए, जो भी दंड हो आईपीसी में वो दिला दीजिए। लेकिन टीवी पे जो घंटों घंटों भर कहानी बताई जा रही है, जो नफरत वाली चीजें बताई जा रही हैं, और जो सर्वे प्रायोजित सर्वे हो रही है, ये सब क्या दिखाता है कि क्या किसी भी राज्य में मीडिया अब एक सत्ताधारी पार्टी का एक सहयोगी दल बन जाएगा, ईडी और सीबीआई की तरह? देखिए, बन जाएगा क्या, बन चुका है। और फर्क समझिए, ये जो पत्रकारिता और मीडिया दो शब्द हैं, लोग पर्यायवाची मानते हैं और सामान्य तौर पर है भी, सिनोनिम है, लेकिन दोनों के फर्क को समझिए जो मैं कहना चाहता हूं। 36 टुकड़े हो, 35 टुकड़े हो, खबर तो है, हमने भी दिखाई, हम भी बात करते हैं, लेकिन हम उसके साथ ये भी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश, जहां राम राज्य चल रहा है, जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां पर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है, जो नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार है, और कितने टुकड़े करके ब्रीफकेस में लाश भरी जाती है, हम उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए घटनाएं, दोनों घटनाएं, मीडिया, अब जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द, जिन लोगों के लिए, उनके लिए खबर से कोई मतलब नहीं। एक बहुत पुरानी रिकॉर्ड कंपनी है एचएमवी, एचएमवी के लोगों को देखिए आप, और नीचे लिखा हुआ शब्द है हिज मास्टर्स वॉइस। तो ये जिन लोगों को हम मीडिया कह के कह रहे हैं, ये एचएमवी के उस लोगों में बैठे हुए लोग। इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आप किसी निशंस हत्याकांड को दिखाइए, लेकिन उसके जैसे क्या दूसरे हत्याकांड नहीं हो रहे हैं? क्या उनके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या पत्रकारिता का धर्म ये है कि वो ये सवाल पूछे कि जिसने 35 टुकड़े किए हैं, उसने कौन सी किताब पढ़ी थी और वो क्या इशारा है? ये पत्रकारिता धर्म है? तो पत्रकारिता तो है नहीं। अब आपकी एक दूसरी बात बहुत अच्छी आपने बात की, मैं उसको एक लाइन में उसको कमेंट बना रहा हूं कि जो 36 टुकड़े करने वाला राशिद था, दरअसल वही विकास निकला, और यही विकास है, विकास पुरुष का विकास यही, यही असली विकास यही है। यही असली विकास, क्योंकि इसी का विकास हुआ है, इसके अलावा किसी चीज का विकास होता तो हमने नहीं देखा। सूचना विभाग के होर्डिंग्स और विज्ञापनों पर चाहे दिखाई देता। तो ये जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, जो ट्वीट करते हैं या जो आधे आधे घंटे चीखते हैं, लगता है कलेजा बाहर निकल आएगा, इन्होंने कितनी पत्रकारिता की है, हमने तो अपने 28 साल के करियर में भी देखा है, और बहुत सारे लोग निकल के गए। तो एजेंडा बहुत क्लियर है, His master's voice. And who are the masters? देश के अगर 24 चैनल एक ही मास्टर की मिल्कियत हो और एक बचा हुआ चैनल दूसरे मालिक के कब्जे में जा रहा हो, तो उस स्पीकर से जो आवाज आएगी वही आएगी जो एचएमवी की आती है। सो नाउ आउटफिट्स को देखिए, पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल स्टेज पे है, मातृ संगठन बैक स्टेज पे है, और एम्पलीफाइंग करने का जो काम है वो इन लोगों का है। सो ये जो एम्पलीफायर्स हैं, स्वतंत्र देव सिंह खड़े हो जाते हैं ये बताते हुए कि हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन उनका एजेंडा, उनको कहने की अब जरूरत क्या है? उनका एजेंडा तो कहने के लिए रूबिका लियाकत और दूसरे कश्यप और चौधरी और इस तरह के लोग हैं। तो यही हो रहा है और ये होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले का अगर आप जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है
आप इसमें एक चीज गौर करिए, पुराने मेरे मैंने सारे इकट्ठे करके रखे हुए हैं, जो सर्वे रिपोर्ट्स जो आई थी और लोकसभा में जो सर्वे रिपोर्ट्स आई थी, प्री पोल पोस्ट पोल दोनों के बीच में हर एजेंसी के सर्वे में हार्डली कोई डिफरेंस है। आप प्री पोल सर्वे निकालिए, पोस्ट पोल सर्वे निकालिए, सो ये जस्टिफिकेशंस हैं। पहले राउंड में ये माहौल बनाया जाता है, दूसरे राउंड में जस्टिफाई किया जाता है कि हमने ये कहा था कि 178 सीटें आएंगी तो देख से 181 आ गई या 172 आ गए। पीछे का सारा गेम संजय भाई आपने हमने देखा है उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजों को लेकर। तो कुल मिला के कहानी ये कि एक पूरा इकोसिस्टम है, एक पूरा इकोसिस्टम है जिसको डेवलप किया गया है और जिसका सेंट्रल थीम वही है जो विवेक देश पांडे जी कह रहे थे, वी आवर एंड आवर नेशनहुड एंड बंच ऑफ थॉट्स, जो किताबें छपी हैं अगर उसकी मूल प्रतियां कोई पढ़ ले तो कोई आश्चर्य नहीं होने वाला है। सब गुजरात का जहां तक सवाल है, एक बैटल है, एक ऐसी बैटल है जिसमें डैमेज होना जनरल के लिए बहुत दिक्कत होगी उस वार में, ये सही है। इसलिए जनरल मैं हमेशा कह रहा हूं, पहले दिन से जब गुजरात पे हम लोगों ने बात करना शुरू किया है 4 PM पे, तब से मैं कह रहा हूं कि मुझे गुजरात के नतीजों में बहुत रुचि नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि गुजरात इतनी आसानी से फॉल नहीं होगा। मुझे इस बात में रुचि है कि कितनी सीटों पे वोट का डिफरेंस 5,000 से नीचे आता है या नैरो मार्जिन आता है। मेरे लिए इंडिकेशन वो होगा कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, और पब्लिक ओपिनियन मशीनरी के साथ जब इनकाउंटर करती है तो रिजल्ट्स क्या होते हैं अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं बखूबी। सो गुजरात में भी यही हो रहा है, गुजरात में जनरल खुद फील्ड में है, 25 से ज्यादा रैलियां करनी पड़ रही हैं, दर्जनों मंत्री खड़े हैं, तमाम मुख्यमंत्री लगातार दौरे पर हैं, और ये सब क्यों है? 199 सीट के स्टेट के लिए, ये उत्तर प्रदेश भी नहीं है जहां 400 से ज्यादा सीट्स हैं, लोकसभा में भी इतनी सीटें नहीं है। लेकिन सवाल उस मैसेज का है जिसका जिक्र आप कर रहे थे और लगातार कर रहे हैं, तो ये जो मैसेज को बचाना है, क्योंकि आप देखिए मैसेजिंग कैसे होगी, यही यही जिनको मीडिया हम कह रहे हैं, बातचीत के लिए मीडिया कह रहे हैं, मैं मानता नहीं। हिमाचल का नतीजा भी आएगा, गुजरात का नतीजा आएगा, और अगर अगर कहीं संभावनाएं तो 8 तारीख को खुलेंगी, अगर कहीं हिमाचल हाथ से निकलता है सत्ताधारी पार्टी के और गुजरात बचता है, तो उस टीवी स्क्रीन पर हिमाचल कितनी देर होगा और उसके कारणों की पड़ताल कितनी देर की जाएगी और गुजरात की जीत की वजहें कितनी गिनाई जाएंगी, ये अंदाजा लगाना कतई नामुमकिन नहीं है। ये बहुत आसान है, ये कमरे में बैठ के हम, मुझे मालूम है, मैं टीवी की दुनिया में रहा हूं, मुझे मालूम है कि FPC जब बनती है और प्रोग्रामिंग जब की जाती है तो उसको कैसे किया जाता है। तो वो सफोकेशन झेल के मैं निकला 1.5 साल में, तो मुझे मैं ये देख रहा हूं कि यही होगा और यही रोल है, इसी रोल के लिए ये करोड़ों हजारों करोड़ रुपए डाले गए हैं 25 बड़े संस्थानों के भीतर। आपको अंदाजा है एक बड़ी फीचर एजेंसी है जो एडिटोरियल लिखती है या खबरें भेजती है, चुनाव में उसका पैकेज होता है, उसको पैकेज दिया जाता है कि इतने करोड़ रुपए का पैकेज है और इतने एडिटोरियल आपको जो है लिखवाने हैं इस फेवर में, इतनी खबरें प्लेस करानी है इस फेवर में, बाकायदा उसका एक वर्कशीट है। और मैं इसलिए जानता हूं कि मुझे भी संपर्क किया गया और फिर मैंने कहा कि अगर यही करना है तो भाई फिर बात ही दूसरे बहुत सारे धंधे कारोबार। तो अब ये जब मैकेनिज्म इस तरह से है, एक पूरा इकोसिस्टम जैसे मैं कह रहा हूं ना कि उसमें पेड़ भी वैसे ही हो गए, वो हवाएं भी वैसे ही चलनी चाहिए, वो मिट्टी भी वैसे ही होनी चाहिए, वो पानी भी वैसे ही आवाज करते हुए बहना चाहिए, ये व्यवस्था बनाई जा रही, और ये जो एक उसका एक पार्ट है ये जिसको हम लोग मीडिया कह के संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं उत्कर्षी। आनंद जी, ये जो ये दौर है कि जब भी राज्यों के चुनाव आते हैं तो मीडिया एक अलग रोल में, इसको मैं गोदी मीडिया हम लोग कहने लगे हैं, एक आम भाषा में आदमी समझ जाता है कि गोदी मीडिया किसको कहने लगे हैं।